हम जा रहे दिल्ली, रितु आएगी लेट आराम से, और यहाँ सुबह कोई डिपार्चर नहीं है। इस समय दिख ही नहीं रहा, हमारी फोटो जा रही है, कोई छोड़ो। रनवे वाला रूम लिया है, सुबह एक एमिरेट्स का डिपार्चर था, हमें लगता हमारी फ्लाइट ही पहले डिपार्ट करेगी। चलो भैया, हमने वैसे टर्मिनल 1 से कराया अपना बुकिंग। एक चीज अच्छी सुबह सुबह कि टर्मिनल 1 जाने का रास्ता होटल के अंदर से ही है, तो ये सीधा पूरा टर्मिनल 1 जाएगा। अरे भाई साहब, दिल्ली तक बना देते यार। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? यहाँ से बॉम्बे टावर दिख रहा है, कहीं से निकलते हैं सीधा। तो ये रहा होटल और ये रास्ता निकला सीधा एयरपोर्ट। वाओ, ये तो पहले अपना, पहले किसका प्यार करूं? पहले माओ को कर लेते भैया, ये तो नहीं तो पागल ही हो जाएगा। हाँ माओ बच्चा, हाँ माओ। उसके बाद रशी का नंबर, रशी आओ। आपकी वीडियो बन रही है। क्या बना रही हो? माउली। माउली, मैं घर आया हूँ इतने दिनों बाद। मैं दोनों बच्चों को प्यार नहीं किया, माओ को पहले प्यार किया, क्योंकि ये मेरा पहला बच्चा, मेरे को कहता प्यार करो। माओ इसको बड़े बड़े नाचने में देखो जरा। अभी मैं यहाँ पे 2 मिनट पहले आया था, धूप पूरी थी, सूर्यदेव इस बिल्डिंग के पीछे। जब से ये बिल्डिंग बनी है हमारा धूप आना बिल्कुल बंद हो चुकी है। ये बिल्डिंग पहले से थी, लेकिन सूरज सर्दियों में अपने ट्रैजेक्टरी ऐसा चेंज करते हैं कि इसके पीछे छुप जाते हैं। अब मैं और रशी जा रहे हैं एक स्पेशल जगह। कहाँ जा रहे थे? क्या ढिंडोरा नहीं, भंडारा, भंडारे पे जा रहे थे। हमारे यहाँ सोसाइटी में भंडारा लगा हुआ। चलो पीहू बाय, हम लोग चलते हैं। पीहू घर पे सबसे आगे तो वही चली गई। कह रही है गोदी ले लो पापा, गोदी देखो, गोदी लेना, गोदी आना है। सामने भंडारा चल रहा है, बड़ा मत भीड़ लगी भंडारे की। बेटा आप तो खाने बाकी बहुत मिर्ची होती है भंडारे खाने में। हमारे प्रदीप भैया सेवा में लगे आज, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। तो हम लोग ढिंडोरा ले आए, घर पे ढिंडोरा खाएंगे अब, है ना। तो मेरा बच्चा हैप्पी न्यू ईयर कार्ड बना रहा है अपने फ्रेंड के लिए। दिखा, मैंने जहाँ लिख के दिया था दिखा, इसने हैप्पी नीप लिख दिया। बोले क्या लाओ, मैंने इसको लिख के दिया था हैप्पी न्यू ईयर कैसे लिखते हैं। मैंने कहा था हैप्पी न्यू ईयर, तो इसने हैप्पी लिखना चालू किया, फिर एन ई लिखा, फिर बेचारी कंफ्यूज हो गई। तो यहाँ से ई के बाद यहाँ इसने ए और आर कॉपी कर दिया, हैप्पी ए और आर भी आधा पी बनाया है। फिर से लिखो यार, चलो। A few moments later. अब देख बिल्कुल बढ़िया लिखा है, ये है तेरा अच्छा हैप्पी न्यू ईयर। जल्दी ना, मम्मी आने वाली, जल्दी भी ना, मम्मी को भी देना। और अंदर रशी ने बनाई है ड्राइंग। ड्राइंग में कौन कौन, एक्सप्लेन कर दो एक बारी। देखो ये साना, ये अद्विता, ये मैं, ये उनका घर, और ये उनके बॉयफ्रेंड का घर, बॉयफ्रेंड का घर। वेट अ मिनट, बॉयफ्रेंड का घर, ये कौन होते हैं? अरे बॉयफ्रेंड भी है, उनके बॉयफ्रेंड भी है। तुम्हारा भी है क्या? हाँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? देखो का मेरा माओ, जरूरी बात चल रही है। रुक जा भैया, बहुत सीरियस। अरे भैया तुम्हारा भी गर्लफ्रेंड है क्या? रुक जाओ, इसका नाम है लब्बा, इसका नाम है लब्बा, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? लब्बा। लब्बा, लब्बा कहाँ रहता है? इसमें, ये देखो, ये तीनों इस घर में रहते हैं, खेलने आते हैं, तीनों इस घर में। लब्बा को पापा से कब मिला रही हो? लब्बा तो पार्क में नहीं आता, पहले आता था, अब नहीं आता। सुनो लब्बा, ना ये आता, ना ये आता, ना ये। मिलना पड़ेगा इस लब्बा से। ये वाला लब्बा, ये वाला मिल मेरे को कई बार। देखो एक ये नहीं आता, एक ये नहीं आता, एक इमेजिनरी बॉयफ्रेंड्स है क्या सारे? हाँ। अच्छा फिर ठीक है, इमेजिनरी रखना बेटा अभी, ठीक है, बहुत छोटे हो अभी। मम्मा तुमको बात पता है, माय लड़के ने आइस क्लोज करो, चलो पहले। अरे वाह, अपने तीसरे बच्चे को भी प्यार करो यार, वो परेशान बेचारा। बहु 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 पानी वाला को बड़ा माओ फाड़ देगा, पूरा गंदगी हो जाएगी, पानी वाला को बड़ा फैला रही सर्दियों में। तुम्हारी लड़की ने बॉयफ्रेंड बनाया भैया? क्या बात कर रही है आज का? कौन बनाया? वो बॉयफ्रेंड का नाम पापा को नहीं पता, मैं पापा का वो ऐसे ही बता। कैसे बनाया, किसने बताया? बताने का एक बॉयफ्रेंड से थी, बहुत अच्छे, तो मैं उनके साथ गई और उनके बॉयफ्रेंड को बताया। कौन होता है बॉयफ्रेंड? रशु वो बहुत अच्छा अच्छा होता है, बहुत अच्छा अच्छा। तो क्या करता है बॉयफ्रेंड, कहाँ से आता है बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड को क्या करता है? यहाँ की बॉयफ्रेंड को काम करता है। काम करते हैं, मम्मी पापा की हेल्प करते हैं। अच्छा, मम्मी पापा
जाओ दिखाओ कहाँ पे दिखाओ वो दिखाओ ड्राइंग दिखाओ। ये बॉयफ्रेंड और ये गर्लफ्रेंड, ये तीनों गर्ल्स हैं। अद्विता के हैं, लिबी अद्विता के, इशाना के हैं, पुप्पी और मेरे हैं लप्पी। ये कब बनाया आपने उनके साथ? वेकेशन के साथ बनाया? हाँ कल। वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आज फाइनली हम लोग रशी के स्केट्स लेने आ चुके हैं। कल से रशी करेगी स्केटिंग स्कूल में, ठीक है? ये देखो ये वाला, ठीक है? तो रशी के लिए हमने लिया हेलमेट और ये सारे गार्ड, और ये लिया हमने रशी के लिए स्केट विद ब्रेक। एक आते हैं विदाउट ब्रेक, ये वाले बच्चों के विदाउट ब्रेक होते हैं, बट विद ब्रेक मंगाए मैम ने उसके। हो गए स्केट, उठा 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 उठा, उठाएगी चलाई कैसे? हाँ चलो भैया, छुटकू के स्केट्स हो गए आज। हाँ सुनो, अब शिकायत तो नहीं करोगी भगवान जी से? भगवान जी से शिकायत तो नहीं करोगी मेरी? चलो फिर आंटी आज हमें पिलाएंगी बंगाली चाय। आंटी बंगाली चाय नींबू डाल के बना दो। हम जब वहाँ खड़गपुर में थे तो लोकल ट्रेन में बहुत बढ़िया मिलती थी। यहाँ चल रहा हमारा मैच, कोहली ने फाड़ दिया लगातार सेंचुरी मार के, पूरा मम्मा का मेकअप खराब कर दिया। दिखा जरा तुमने क्या लगाया है? ये देखो क्या हो गया पीयू? अरे मेरा बच्चा क्या हो गया, गिर गई क्या? नहीं बेटा मुझे गलत किया, आपको उसको गिरने नहीं देना था, आप बड़ी सिस्टर हो, क्या काम करते लग गई बेचारी को यार। आपको ध्यान देना चाहिए था, आपकी बड़ी सिस्टर, आपकी बड़ी सिस्टर तेरे होते हुए तेरी बहन को लग गया ऐसे कैसे? हाँ मेरा बच्चा, हाँ कोई बात नहीं, लगता रहता बेटो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। कल फिर से ट्रैवल है हमारा, सुबह सुबह निकल जाएंगे और शाम को आएंगे, लेकिन कल किसी और सिटी में ट्रैवल है। अपना ख्याल रखिए, आपसे मिलेंगे हम कल भाई। सुबह शूट करो, रात को रहेगा था घर पे खाना बन रहा है। कहाँ है माऊ? कहाँ है? नीचे कोई डॉगी है क्या? कुछ भी नहीं है नीचे। वो देखो माऊ, माऊ हाँ सही कह रही है पियो। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। गुड पियो, गुड।